नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीजीपी ने राज्य के सभी आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को दिया बड़ा आदेश। बिजली बिल ज्यादा आने को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। शरद यादव का अस्थि कलश आज पहुँचा बिहार। एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीजीपी ने राज्य के सभी आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को दिया बड़ा आदेश। अब राज्य के लोगों को पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिल सके और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने का मौका मिल सके, इसको लेकर बीते दिन शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा राज्य के सभी आईजी, डीआईजी और जिलों के सभी एसपी को बड़ा आदेश दिया गया है। दिए गए आदेश के अनुसार अब ये सभी अधिकारी अपने हर कार्य दिवस के दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक यानी कि 2 घंटे का समय आम लोगों को देंगे, जिसमें वे आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उससे संबंधित कार्रवाई कर उसका समाधान निकालने का। इसे पुलिस मुख्यालय के दबाव को भी कम किया जा सकता है। बिजली बिल ज्यादा आने को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। राज्य के वैसे बिजली उपभोक्ता जो बिजली बिल ज्यादा आने से परेशान है, यह खबर उनके लिए है। दरअसल अब इन उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी जांच खुद बिहार सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्य सचिव, डीएम समेत सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे इस मामले की जांच पड़ताल करें और इसके पीछे के कारण का पता लगाए। दरअसल बीते दिन समाधान यात्रा के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करते हुए कहा गया था कि उनके घर बिजली बिल काफी ज्यादा आता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसकी जांच की जाए। पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी में 8 लोग हिरासत में। बिहार के मोतिहारी के चकिया थाना में कुआओं गांव में एनआईए के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से पीएफआई पर अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्रीराम मंदिर को उड़ाने की साजिश को लेकर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए 8 लोगों में एक पीएफआई सरगना रियाज मारूफ का भी नाम शामिल है। दरअसल एनआईए के द्वारा यह कार्रवाई अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्रीराम मंदिर को उड़ाने की साजिश को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज के बाद एक्शन और मैसेज में मीटिंग की ही हो रही चर्चा के बाद किया गया। हालांकि अब तक इस मामले पर पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। आज है विश्व कैंसर दिवस। आज के दिन को हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच कैंसर के उन्मूलन के लिए बीच जागरूकता फैलाना एवं इससे बचाव के उपायों को प्रसारित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्लोज द केयर गैप है, जो कैंसर देखभाल में असमानताओं को समझाने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक प्रगति करने के लिए कार्रवाई करने के बारे में है। इसकी शुरुआत लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा 4 फरवरी 2000 को किया गया था और प्रथम बार इस दिवस को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 में मनाया गया था। इसके बाद इसे प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार विश्वविद्यालयों के टॉप 100 छात्र विदेश में ले सकते हैं मुफ्त शिक्षा। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पटना वुमेन्स कॉलेज के वेरोनिका ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के दौरान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई विश्वविद्यालय किन्हीं छात्रों को विशेष ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना चाहता है तो उसके खर्च का पूरा इंतजाम बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इन टॉप 100 छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी और उसी के आधार पर ही छात्रों को विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। यानी कि अब छात्र निशुल्क तरीके से भी बिहार सरकार की मदद से विदेश में जाकर अपना उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर दोषी पाए गए आरोपित डीएसपी रंजित कुमार रजक के खिलाफ गृह विभाग के द्वारा संबंधित संकल्प जारी कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इसकी जिम्मेदारी गृह विभाग के द्वारा मध्य निषेध के संचालन अधिकारी एडीजी अमृतराज को दी गई है। बता दें कि इससे पहले 13 जनवरी को गृह विभाग ने डीएसपी रजक के खिलाफ 100 कॉज नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब देने को कहा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र 7 मई 2022 को सोशल मीडिया पर लीक होना शुरू हो गया था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बता दें कि इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अगस्त महीने में जांच पड़ताल कर कुल 9 आरोपियों के खिलाफ 4 चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें से एक नाम आरोपित डीएसपी रंजित कुमार रजक का भी था।
शरद यादव का अस्थि कलश आज पहुंचा बिहार। आज दिवंगत समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अस्थि कलश दिल्ली से फ्लाइट के जरिए उनके पुत्र शांतनु और उनकी पुत्री सुभाषिनी के साथ बिहार की राजधानी पटना पहुंचा, जहां उन्हें आरजेडी कार्यालय में रखा गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई आरजेडी नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 फरवरी को शरद यादव का अस्थि कलश को पटना से वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं सहरसा होते हुए उनके गांव मधेपुरा स्थित उनका आवास पर ले जाया जाएगा, जहां उनके कलश को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 6 फरवरी को बीपी मंडल स्टेडियम में शरद यादव के लिए एक खास प्रार्थना सभा भी आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवंगत समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन 12 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम के एक अस्पताल में हुआ था। मधुबनी का 19 वर्षीय सानू ड्रीम 11 से जीता 1 करोड़ रुपए। अब किसके किस्मत की दरवाजा कब खुल जाए, ये किसी को पता नहीं होता। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट नायक टोल का है, जहां एक किराना व्यवसायी का 19 वर्षीय बेटा सानू कुमार मेहता ने रातों रात 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिया। दरअसल सानू ने ये 1 करोड़ रुपए ड्रीम 11 पर खेलकर कमाई है। बता दें कि सानू ने ड्रीम 11 पर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बिलिंग प्रतियोगिता में अपने द्वारा अपनी एक टीम बनाई थी, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई और 1 करोड़ का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। मालूम हो कि फिलहाल वे विज्ञान संकाय के इंटर के छात्र हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोई युवक ड्रीम 11 में खेलकर करोड़पति बना हो। इससे पहले भी नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द गांव के रहने वाले राजू राम के द्वारा भी 1 करोड़ रुपए जीता गया था। नागालैंड चुनाव में आरजेडी ने उतारा इस उम्मीदवार को। नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव के द्वारा अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, उनके नाम सेकू थुंग जैमी है, जो सनीस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी यहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी तक केवल 1 सीट की प्रत्याशी का ही नाम किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अन्य 5 सीटों के लिए भी आरजेडी के द्वारा प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। मालूम हो कि सिंह थुंग जैमी को प्रत्याशी के रूप में चुने जाने के बाद खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें कॉल पर बधाई दी गई और कहा गया है कि आप चुनाव को मजबूती से लड़िए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए। मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई में होगा बड़ा बदलाव। पिछले सप्ताह बिहार के स्वास्थ्य सचिव के सेंथिल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र के सभी संस्थान, डेंटल कॉलेज, सरकारी नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान और पारा मेडिकल संस्थानों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से निकालकर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध करने को लेकर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव विमलेश कुमार झा के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। बता दें कि दिए गए प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से बिहार के चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र के सभी संस्थान को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया जाएगा। नागालैंड चुनाव में जेडीयू को लोजपा ने दिया बड़ा झटका। नागालैंड चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल नागालैंड जेडीयू की लगभग पूरी राज्य इकाई को, यानी कि नागालैंड से जुड़े 29 नेताओं को लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया है और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी गई है। बता दें कि जिन नेताओं को लोजपा पार्टी में शामिल किया गया है, उनमें पार्टी के महासचिव किटोहो एस रोठोखा सहित कई राज्य सचिव, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, युवा विंग के अध्यक्ष सचिव सहित कई अन्य राज्य एवं जिला इकाई के नेताओं के नाम शामिल है। लोजपा पार्टी की ओर से सभी नेताओं का बेहद ही गर्मजोशी तरीके से स्वागत किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड चुनाव में जेडीयू की ओर से कुल 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाने वाला है, लेकिन इससे पहले उन्हें बहुत बड़ा झटका मिल गया है। खुले मंच से तेजस्वी ने रोहिणी के लिए कही ये बातें। बीते दिन शुक्रवार को पटना विमेंस कॉलेज के वेरोनिका ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के दौरान खुले मंच से अपनी बहन रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ करते हुए खुद को खुशनसीब बताया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन रोहिणी ने खुलकर सामने आकर मेरे पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की है। कहीं और देखे तो डोनर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मेरी बहन ने ही मेरे पिता को किडनी डोनेट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरी बहन ने ही ऐसा काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं होता है। आज मेरे पिता और मेरी बहन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और जल्द ही मेरे पिता एक बार फिर से आकर लोगों की सेवा करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि महिला का संघर्ष आज भी जारी है। अगर कभी किसी को मेरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ।
भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण आज से बिहार में शुरू। राज्य में बिहार प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। बता दें कि बिहार में इस यात्रा की शुरुआत सीतामढ़ी से हो रही है। मालूम हो कि यात्रा कांग्रेस नेता के द्वारा बिहार में लगातार 8 दिनों तक की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा का आरंभ ललित आश्रम कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन के बाद होगा और शिवहर पहुंचेगी। 5 फरवरी को यह यात्रा मोतिहारी पहुंचेगी, जहां 3 दिन के लिए यात्रा का काम निर्धारित किया गया है। इसके बाद 7 फरवरी को यह यात्रा साहिबगंज और 8 फरवरी को यहां से तेवरिया बाजार होते हुए मानिकपुर पहुंचेगी और 8 फरवरी को ही यह यात्रा वैशाली पहुंचेगी। इसके बाद 9 फरवरी को यात्रा चंद्रालय से हाजीपुर में प्रवेश करेगी और 10 फरवरी को हाजीपुर से अगमकुआं पटना सिटी होते हुए गायघाट अशोक राजपथ पहुंच भगत सिंह व बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा। एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में सितंबर में एशिया कप होने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह बहरीन के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी के कहने पर एशियाई क्रिकेट परिषद की एक आपात बैठक बुलाई गई है, ताकि पाकिस्तान के एशिया कप की मेजबानी के अधिकारों पर फैसला किया जा सके। हालांकि बीसीसीआई के सूत्रों के द्वारा पीटीआई को दी गई जानकारी के अनुसार भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें हमारे देश की सरकार से कोई हरी झंडी नहीं दी गई है। वह इनका कहना है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में आयोजित नहीं होता है तो टूर्नामेंट को या तो यूएई या श्रीलंका में स्थानांतरित किया जा सकता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, असरफी मंडल, सदुल्लाह पलवी, मोटू रंगीला, मोहम्मद नौशद राजा, शंकर मुखिया, रविशंकर, नुशरत बनो, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकील हुसैन, उमेश ऋषिदेव, महमूद अंसारी, अर्जुन राम, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।